ये क्या? अरे छोड़ो मुझे, मेरे पापा को। फिलहाल तो इनके साथ खेल रहे, तुमने बात नहीं मानी तो इन्हें शमशान पहुंचा दूंगा। दास को तो जानती होगी जो तुम्हें छेड़ता रहता है, तुम्हें भी उसके साथ थोड़ी सी गुटरगुं करनी होगी। तुम एक टीचर हो, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं, शक्ल से थोड़ी समझदार भी लगती हो। तुम्हारे स्कूल में ABCD सिखाते होंगे, लेकिन हमारे स्कूल में खून करना सिखाते हैं। बेबी तो काम पे लग जाओ। रुको सीमा, क्या हुआ? वो एमएलए के लड़के ने कहा कि गार्डन में अकेले मिल, मैंने मना किया तो कहा एसिड फेंक दूंगा। ए सोनू, चल यहाँ पर आ। क्या है बे? क्या रे, इस पर एसिड फेंकेगा? कुछ भी बोलूं तो मना करती है, फिर मैं क्या करूं? मैं तुझे बताता हूँ एसिड से खेलने का अंजाम क्या होता है। चल चल। नहीं नहीं नहीं, किसने किया ये? कौन है वो जिसने मेरे बेटे की उंगली एसिड में जलाई? प्रिंसिपल, उसे बाहर भेज। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? बाहर भेजो उसे, आज मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। वो जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरी क्या पावर है। पूरा स्कूल जला दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, सबके टुकड़े कर दूंगा। बाहर भेजो उसे, चलो भेजो। मैं था वो। तूने ऐसा किया क्यों? उसने गलती की, इसलिए। मैं गलतियां कर करके ही एमएलए बना हूँ। वो मेरा बेटा है, वो जो चाहे कर सकता है। तू है कौन उसे रोकने वाला? बोला। ए मुंह से बात कर, हाथ मत लगा। क्यों, क्या करेगा तू? मुझे भी मारेगा? जो बच्चे हंस रहे थे मुझे पिटते देखकर, उन्हीं बच्चों को उसकी मौत का मातम मनाना चाहिए। टीचर्स, स्टूडेंट्स को क्लासरूम में ले जाओ, अंदर ले जाओ मैंने कहा। चलो बच्चों, अंदर चलो। Let's go!
दास, सुपर्ब, तुमने उन गुंडों को बहुत अच्छा सबक सिखाया। तुम तो सचमुच कमाल के निकले। वेरी गुड दास। मेरी कभी किसी ने तारीफ नहीं की। आई एम लविंग इट। सच सच कहो, मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? मेरी जिंदगी की ख्वाहिश हो तुम। ऐसा क्या है मुझ में कि तुम मुझे पसंद करते हो? क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो, बातें अच्छी करती हो, समझदार हो, तुमसे तो चांद भी शर्मा जाए। इन शॉर्ट कहूँ तो तुम्हारी आँखें, तुम्हारी चाल, सब कुछ बहुत कमाल है। एक वजह हो तो बताऊँ। मतलब मुझे प्यार करने के लिए इतनी सारी वजह, लेकिन तुम में एक भी वजह नहीं है कि कोई तुमसे प्यार कर सके। कोई भी लड़की तुम जैसे आवारा लफंगे के साथ प्यार नहीं कर सकती। उसने गलती की थी इसलिए मैंने सजा दी। उसकी गलती क्या थी? हाँ, सीमा उससे प्यार नहीं करती तो उसने एसिड फेंकने की धमकी दी। और अगर मैं प्यार ना करूँ तुमसे तो गुंडे भेजकर मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी देने वाले की सजा क्या होनी चाहिए? ये तुम, मैंने गुंडे भेजे? बस हुआ, मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी। मान लो अगर ज्योति उसे शादी भी करती है तो उसका तो भला ही होगा, वो एमएलए का बेटा है, शायद आगे जाकर वो एमएलए ही बनेगा। पर तुम क्या बनोगे? गुंडे? मवाली? तुम कहते हो कि मैं बहुत लकी हूँ, खुशकिस्मत हूँ, पर कभी सोचा है जो लड़की तुमसे शादी करेगी वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, वो बदनसीब होगी। छी! पहले ही सर पर इतना टेंशन है और तुम मेरी खोलकर बजाने आए हो? एमएलए को मार कर चला गया वो, तुम लोग क्या झक मार रहे थे? भाई बहुत कोशिश की, वो पढ़ने को तैयार ही नहीं। भाई कहते हो, और इस भाई की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें? अगर वो जल्दी पढ़ाई खत्म नहीं करता तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो जानता है एमएलए मेरा दोस्त है, जानते हो, इसलिए उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया, वरना हमारा सारा गेम चौपट हो जाता था। भाई जब तक हम पहुंचते सब खत्म हो चुका था। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, उसे पढ़ना ही होगा हर कीमत पर। भाई मुझे एक मौका दीजिए, वो जरूर पढ़ेगा, ये मेरा वादा है। नहीं पढ़ना मुझे, नहीं पढ़ना है। चल हाथ, ए बाल की दुकान, तुम दोनों क्या देख रहे हो? चल, नहीं पढ़ूंगा मैं, मुझे नहीं पढ़ना है। आज पता नहीं होगा क्यों पढ़ा रहे हो मुझे, जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। चल, तुम कोई सवाल नहीं करोगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करोगे, तुम सिर्फ पढ़ोगे, समझ गए? मुझसे गलती हो गई, खुद पे काबू नहीं रख पाया। ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी से मोहब्बत हो पर उसे पा ना सको तो दिल को कितनी तकलीफ होती है मैं समझता हूं। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, ये तुम जानते हो, लेकिन तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी, ये मैं जानता हूं और तुम भी। लेकिन शायद तुम एक बात से वाकिफ नहीं हो कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो हम उसे भी बेरहमी से मार देंगे। तुम फुटपाथ के एक फटीचर हो इसीलिए वो लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अगर तुम पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाओ तो वो जरूर तुमसे मोहब्बत करेगी। तुम खुद तय करो कि पढ़ लिख कर उसे पाना है या तो अनपढ़ रहकर उसे हमेशा के लिए खोना है, सोच लो। अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो अंजाम के लिए तैयार रहना। ये लिस्ट में इधर देखो, सर नंबर मिल गया सर। पास। दास हो गया ना पास। दसवीं का एग्जाम पास किया है, ज्यादा खुश मत हो, अभी बहुत से इम्तिहान देना बाकी है। हुँ।
मर गया। अबे थोड़ा देर। मानना पड़ेगा एक सड़क छाप को उठाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। साला अपुन के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तुमने अपुन को ट्रैफिक हवलदार बना दिया। अपुन सबको ऐसे लूटेगा कि अच्छे अच्छों की गिली हो जाएगी। हेलो, तुम्हें वर्दी इसलिए मिली है ताकि हमारे इशारे पे नाचो। ऐसा ना करूं तो तुम्हारे जीवन की रेखा काफी लंबी है, तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। सिग्नल तोड़ा, स्पीड लिमिट क्रॉस की तूने, 500 रुपीस फाइन। ए, मेरा स्पीड 60 था और वो देख लिमिट 80। अब देख 40 है, अपुन जो बोला वो फाइनल, चल पैसा निकाल। मुझे कानून सिखा रहा है? कानून? हेलमेट 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 कहाँ है? पागल हो गया क्या? फोर व्हीलर में हेलमेट? ये दड़ियल फोकट में अपन को गुस्सा नहीं दिलाने का, वरना जितना ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा उतना फाइन बढ़ेगा। 1000 2000 3000, चल जल्दी निकाल। सर जाने दीजिए, ये अपना ही इन्फॉर्मर है। ₹10,000, 40 बार माफ किया, गलती पैसा नहीं रे। सुन, लाइफ में पहले आलू आलू जाने का, फिर रफ्तार बढ़ाने का। पाइलेज रफ्तार बढ़ाएगा ना तो बाद में पछताएगा। 10 ऑलवेज 5।